सतकाल दोस्तों, आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होवोंगे। तो गाइज, अज की वीडियो मैं थोनू ये दसन लई बनाई है कि भाई जॉब सिचुएशन इन UAE, जॉब्स दे कम्माकारा दे किद्दां दे हालात ने इत्थे, ते किद्दां दी रिस्पोंसिवनेस हैगी है एम्प्लॉयर्स दी, जिवें तुसी जॉब अप्लाई कीती आ ते थोनू किद्दां दा रिस्पोंस आंदा पिया, ते किन्ने चांसेस ने, किन्ने परसेंट अप टू किन्ने परसेंट चांसेस ने कि तुसी इत्थे आ के अपने आप जॉब जे लभदे हो, ते थोनू किन्ना कु रिस्पोंस है। ते पहला दोस्तों मैं ये दसना चाहुंना कि भाई जड़ा भी बंदा इत्थे कुछ कुछ उम्मीद लैके आ रहा वा कि भाई इत्थे आके उन्हां दी सैलरी जिहड़ी आ कि भाई 5-6 हज़ार दिरहम जां फिर उस तो वध लग सकती है, ठीक है। तो पहली गल तो यह तुहानूं मैं दोस्तों दस दिंदा कि भाई इदां दा कुछ नहीं है, अजिहा कुछ नहीं हैगा, ठीक है। एजेंटा दी गल्लां दे विच ना आओ, ठीक है। तो जे आपां भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि जिवें कि तुहानूं मैं दस्सिया होया, ठीक है, तो आपां भी कोई हैल्प करते हैं तो वह भी बिल्कुल ऑनेस्ट हैगा, ठीक है। तो उदां दे कोई चक्कर नहीं कि भाई 5-6 हज़ार दिरहम सैलरी, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जिहड़ी हैगी आ इन्नी सैलरी वो ट्रैकिंग वास्ते आ, ठीक है। उहदे वास्ते थोनू गाइज स्पेंड भी उन्ना करना पैना। सो जे तुसी सोचोगे बई कि बई ट्रैकिंग बई कि असी पैसे इन्हें क्यों लाइए, है कि नहीं, क्योंकि वीरों ट्रैकिंग दे विच जाण लई बंदे दे कोल ऑलरेडी जिहड़ा थोड़ा बहुता एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जे नहीं भी है तो कोई चक्कर नहीं, इत्थे आके अपना थोड़ा सीखेगा बंदा तो हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इत्थे ट्रैकिंग दे विच जाण वास्ते एक तो हैवी लाइसेंस चाहिए, तो उत्तों तुहानू इत्थे फिर उस तो बाद थोड़ा सारा जिहड़ा प्रोसैस आ वह शुरू हुंदा वा, ठीक है। तो उहदे विच जिहड़ा खर्चा आ जाता जनरली वह मैं गल करा तो वह 10-12 हज़ार दिरहम दे लागे छागे, इन्ना कु खर्चा जे तुसी मन के चलो, जिहड़ा कट्ठे पैसे नहीं देने होंदे उहदे विच, ठीक है। तो वो मैनू हुण पता नहीं उहदा, देखो वो मैं तो देखो इदां दी कोई तुहानू सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। बट इदे इत्थे लोग जिहड़े ने वो करते हैं, ठीक है। तो बाकी साडी कोई हैल्प चाहीदी होएगी, ठीक है, तो असीं जरूर हैल्प करांगे। तो बाकी वो कोई साडा सिस्टम नहीं है कि भाई असीं कोई एजेंट हैगे आ, ठीक है, क्योंकि जिहड़े एजेंट हैगे ने, ठीक है, वो इंडिया दे विच बैठे ने, ठीक है, वो पता नहीं किद्दां दी गल्लां करके लोगों नूं इत्थे भेज दिंदे ने, तो इत्थे भेज के लोगों नूं फिर कुछ लभदा नहीं, ठीक है। क्योंकि हुण तुसीं देखो कि किद्दां दे हालात ने, ठीक है, तुहानूं पता है कि इंडिया दे विच अनइंप्लॉयमेंट रेट इस टाइम, हो सकता आने वाले डेट दे विच वधिया हो जाए, पर इस टाइम की गल करिए तो जॉब रेट जिहड़ा वो बहुत घट हैगा, ठीक है। लोग अप्लाई करते पए ने, उत्थे कोई काम मिल भी जाता है, तो मतलब कईयों नूं मिलता भी नहीं, कई बेचारे कई तुरी फिरते ने इन्नी इन्नी डिग्रियां लैके, BTech ते MA करके, ते मतलब पता नहीं मास्टर्स अगे पता नहीं की कीता होया लोकां ने। ते हो सकता है मेरी वीडियो देखण वाले व्यूअर्स हो सकता एक अद्धा बंदा या फिर बहुत सारे बंदे जिहड़े हैगे ने, ठीक है, वो बड़े क्वालिफाइड होन, ठीक है। सो मैं थोड़े नाल एक एक्सपैक्टेशन सैट करन वास्ते एक वीडियो बना रहा गाइज। देखो तुसी इत्थे आओगे बहुत ही एक्सपेक्टेशन ना लेके आओ कि भाई हाँ जी मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी लग जूगी, ठीक है। देखो गाइज मैं तुहानू ऑनेस्टली दसा, असी भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, असी एजेंट नहीं हैगे, ठीक है, बट यह समझ लो तुसी कि भाई साडे अपने रिसोर्सिज हैगे ने, ठीक है, तो वह हैल्प करते हैं, ठीक है, उन्होंने जो लैना वो लैना है, बट लेकिन वो जेन्युइन ट्रस्टेड प्रोवाइडर ने। आई नो मैं तुहानू ये वीडियो दे विच कह चुके हैं ऑलरेडी, एक वीडियो दे विच मैं तुहानू दस चुके हैं कि भाई इत्थे लोगों को कोई पैसे देने का हाल नहीं है, जॉब के लिए कोई बंदा कोई पैसे मंगता होवे उन्हें 1 रुपया तुसी नहीं देना, ठीक है। बट जे आप गल करिए कि भाई हुण मैं ये वीडियो क्यों पाई कि भाई कई लोग सोचते हो कि भाई इत्थे आप कहिंदा कि भाई पैसे नहीं देने चाहिए इत्थे किसी नूं जॉब दे, बट इत्थे हुण आप ही ये वीडियो पा रहे हैं। तो दोस्तों वो कोई घबराने वाली गल नहीं हैगी, क्योंकि वो अपने जिहड़े ने अपने ही बंदे ने, ट्रस्टिड हैगे ने वो, ठीक है। तो उन्होंने कोल इत्थे ट्रेड लाइसेंस आ, ठीक है। तो इत्थे की हुंदा
ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਲਵਾ ਕੇ ਦਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫੜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਬਈ 4,000, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ 200 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬਈ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਫਨ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋਬ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇੱਕ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਲਸ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 2200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਵੀ 2200 ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਬਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੁਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੈਲਰੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ।
तो एज आई सैड दोस्तों, जे तुसी बैठे बैठे उत्ते सोचते रहोगे कि भाई आई यार कुछ नहीं है, ठीक है जाके की करना, तो फिर तो कुछ नहीं होना। ठीक है, थोनू आना ही पैना, जस्ट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट। बट दोस्तों सच्चाई है वा कि भाई आना ही पैना एक बार। ठीक है, आके थोनू आप ही जायजा लाना पैना कि भाई हिसाब किताब की है, थोड़े हिसाब नाल कितना दी जॉब थोनू मिल सकती है। ठीक है, ट्राई करो सेल्स दे बेची, क्योंकि इतने सेल्स का ही ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो सेल्स दे बेची जी है जॉब जी है पॉसिबल हैगी है। ठीक है, तो गाइस गलबात करिए कि कितना दी जॉब्स होने तुहानू मिल सकती हैं, तो की तुहानू सीख के आना चाहिए। तो मेरे वीर जिहड़े वीडियो देखते पए ने, ठीक है, वो लोग कुछ हद तक भी कम सीख के आन। ठीक है, जिवें मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ठीक है लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, तो भाई कोई इदा की स्किल हो, हथ का कम हो, ड्राइवरी हो, ठीक है, तो नाले कुछ मतलब जरा वो मिस्त्री का मेसन टाइप का कम हों, ठीक है लेबर का जरा कम हों, भाई चलो जिदा कि मैं पहले क्या गाइज, ठीक है शर्म वाली कोई गल नहीं है। ठीक है, इतने सारे कम करने पैदा ने, ठीक है, तो वो कम सीख के आओ सारे। ठीक है, तो ए सी रिपेयरिंग का, इलैक्ट्रीशियन का, ठीक है, ये सारे जो छोटे मोटे जो कम है गाइज, जब तक थोड़ू जॉब नहीं मिलती इतने, ठीक है तुम ये कम भी कर सकते हो। ठीक है, ला लो भाई पार्ट टाइम ला लो, जिदा भी ला लो। ठीक है, जिमें बड़ी कंट्रिया के होंगे कि बई जिते बंदे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उस स्टैंड के उत्ते आके बई बंदे उन्होंने पिकअप करके लैके जाते हैं, तो उन्होंने दिहाड़ी बन जाती है। ठीक है, तो काफ़ी वधिया पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो उवें इत्थे भी होंगे। ठीक है, काम देखो इलीगल तो नहीं है। ठीक है, पर लोग करते हैं, तो मैं थोड़ा ये कोई राय नहीं देना चाहता कि थोड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो थोड़े अपने उत्ते है, बट लेकिन सीख के आओ तो थोड़ी हैल्प हो जानी है इतने। ठीक है, तो दूजी गल कि तुसी ट्राई करो, ठीक है जिहड़ी परमानेंट जॉब हैगी है, ठीक है, तो एम्पलॉयर इदा का लभो कि थानू जिहड़ा वीज़ा दिंदा होवे, ठीक है मैडिकल दिंदा होवे, बेनीफिट्स दिंदा होवे, तो सैलरी भी ठीक ठाक होवे, ठीक है दो तो लैके तीन दे विच थोड़ी सैलरी होवे, तो थोड़ा इत्थे काम जिहड़ा ना टुर जाना है। ठीक है, तो उस तो बाद तुसी बाद दे विच जॉबां लभदे रहो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि क्योंकि इत्थे जिहड़ा जॉब का जिहड़ा हले थोड़ा जिहा एवरेज तो घट है हिसाब किताब, रिस्पोंसिवनेस भी घट है। ठीक है, बट मिल जूगी जॉब, ठीक है कोई चक्कर नहीं, जॉब मिल जाती है इतने। ठीक है, जिदा कि मैं थोड़ा पहले दसिया होया, तो जॉब अप्लाई करो सेल्स के विच। ठीक है, ब्रांड्स थोड़ू मैं दसिया हुई ने, ठीक है, तो कंसल्टिंग फर्म भी थोड़ा दसी हुई है। ठीक है, तो इन्हों के सब तो वध रिस्पोंस है, तो बाकी इतने आऊँगे तो इतने आके थोड़ा होर भी पता लगना है। ठीक है, बंदे मिलने ने, बंदियां नाल गल करनी पैनी है। ठीक है, कोई शर्म ना करो, मॉल के जाके गल करो बंदियां नाल। ठीक है, देखो अपना काम है, ठीक है जो अपना काम होता है तो बंदे आप धक्के खाने पैंदे ने। ठीक है, बाकी थोनू मैं इंस्टाग्राम का अपना जो लिंक देवांगा थले, तुसी ये डिस्क्रिप्शन दे विच देख सकते हो। तो गाइस थोनू यूएई दे विच आके कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होवे, कोई हेल्प चाहिए होवे, तुसी मेरे तक कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकता है, ठीक है जो भी मेरे वस दे विच हैगा, थोड़ी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, थोनू पूरी सपोर्ट की जाएगी, तो मेरे पंजाबी वीर खास तौर पर, ठीक है ध्यान देन किसी भी एजेंटा के चक्कर दे ना विच ना आउण। ठीक है, क्योंकि उत्थे लुट्टण वाले बहुत बैठे ने। ठीक है बई असी मतलब बाद दे विच हुण इह वी मतलब जिहड़ा मैं लोकां दी हैल्प करनी है कि बई सारिआं दी थोड़े सारे दे विच लई इह चीज़ लैके आवांगी कि बई इत्थे आउण दा जिहड़ा पूरा एक पैकेज हैगा, ठीक है घट तो घट प्राइस दे विच, ठीक है जेन्युइनली, ठीक है उहदे विच मेरा कोई पैसा नहीं होएगा। ठीक है, तुहानू उह बणा के देवांगे, ठीक है जिहदे विच तुसीं इत्थे वीज़ा फ्लाइट सारा कुछ आपां करके देना है। ठीक है, तो वह भी ट्रस्टेड प्रोवाइडर तो करा के देना। ठीक है, उहदे विच अपना देखो जी कुछ भी नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुती हैल्प हो जाएगी, बस यही चाहिए मैनू। ठीक है, क्योंकि मेरे को हैगा, ठीक है रब दा दित्ता बहुत कुछ, मैनू थोड़े लोगों तो यार कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस तुम सपोर्ट करो, वीडियोज़ वेखो मेरी, लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, बाकी कुछ भी पूछना हो, ठीक है तुम मैनू कदे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम से यूट्यूब पर कमेंट करो। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें रिप्लाई देवगा। ठीक है, कदे कदे बिजी होंगे, ठीक है मेरे भी अपने काम है, ठीक है बट जरूर तुम्हें रिप्लाई दी जाऊगी। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, ठीक है आने की तैयारी करो। ठीक है, नैगेटिव भी ना हो तो बहुते पॉजिटिव भी ना हो। ठीक है कि भाई हाँ जी हो जाएगा बहुत कुछ, हो सकता है कि 10 दिनों के जॉब भी मिल जाए, यह भी होंगे। जब मैं नवा आया गाइज इतने 2-3 साल पहले, तो हिसाब ला लो कि भाई मैं महीने के ही जॉब मिलती थी। खैर वो प्री कोविड टाइम सीगा, तो हूँ जोड़ा टाइम है वो वक्रा है। तो ट्राई करो गाइज, ठीक है अपना ज़्यादा उम्मीदा ना लैके आओ, कम कुम सीख के आओ, डिग्रिया पोस्टल करा के लैके आओ। ठीक है, जो भी थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दी है मेरे चैनल के उत्ते, ठीक है वीडियोज़ वो फॉलो करो,
तो हिसाब में देख के कोई भी क्वेश्चन है कोई भी कमेंट हैगा ठीक है वो तुसी पाओ ते बाकी रब रखा ते गॉड ब्लेस यू ऑल सब्सक्राइब कर लो यार ठीक है ते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच।